अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें पार्ट फर्स्ट गिवन है। पार्ट फर्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट हम फाइंड करते हैं किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो इन जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। हमारी जो इक्वेशन है ये इस फॉर्म में होने चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में होने चाहिए। तब हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, फिर उसके बाद एक्स का कोएफिशिएंट है, इसका कोएफिशिएंट बी है, इस तरह उसके बाद बगैर एक्स के हैं जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं। तो इस तरतीब से हम लिखेंगे। तो उसके बाद हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो अगर हम गिवन इक्वेशन को देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब 1 है। तो ए इज़ इक्वल टू 1, एक्स का कोएफिशिएंट है बी, तो बी इज़ इक्वल टू 10, और उसके बाद है कॉन्स्टेंट विच इज़ इक्वल टू सी। तो हमने एक्स का कोएफिशिएंट लिखा, तो x का कोएफिशिएंट 1 की इक्वल है, उसके बाद x का कोएफिशिएंट b की इक्वल है, और बगैर x के जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं वो c की वैल्यू है। अब हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं। एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास है 10, तो 10 स्क्वायर माइनस 4ac, ए इज 1 एंड सी इज 7। तो हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 10 स्क्वायर आ जाएगा 100, माइनस 4 7 जो 28, और यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाता है 72। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है 72। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट है 3x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 19 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट ये a है, a इज इक्वल टू 3, उसके बाद x का कोएफिशिएंट 11 है, लेकिन नेगेटिव साइन भी साथ लिखना है, तो b इज इक्वल टू माइनस 11, और उसके बाद है बगैर वेरिएबल की जिसको हम कांस्टेंट कहते हैं सी इज इक्वल टू 19। तो एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के बारे में हमारे पास माइनस 11 है, तो माइनस 11 स्क्वायर माइनस 4a इज 3 एंड सी इज 19। तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 11 का स्क्वायर आ जाएगा 21, तो 121, तो 121 माइनस 121 माइनस, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जर 12 आता है, और 12 को 19 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 228। तो इससे हम माइनस कर देंगे 121, तो आ जाता है 107 विद नेगेटिव साइन। तो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू माइनस 107। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड पार्ट है इसका 7x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। मैंने शुरू में बताया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 7x स्क्वायर, पहले हम इन ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, पहले x से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा x स्क्वायर, और जब 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2x। अब 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू एक्स 1x, 1 इंटू माइनस 2 इज माइनस 2, दिस इज x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स से आ जाएगा माइनस एक्स, और माइनस 2
अब हम इन सब वेरिएबल्स को एक साइड पे भेजते हैं, 7x² माइनस x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो 7x² माइनस x² से आ जाएगा 6x² प्लस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है, तो ए इज इक्वल टू 6। इस तरह एक्स का कोफिशियंट बी कहलाएगा, तो बी इज इक्वल टू 1, और बगैर एक्स की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है, इसको हम सी कहते हैं, विच इज इक्वल टू 2। तो हम डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला अप्लाई करते हैं कि ए इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारे पास है 1 और माइनस 4, a 6 है और c की वैल्यू 2 है, तो ये आ जाता है 1 माइनस, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं 4 6 जर 24, 24 2 जर 48, तो ये आ जाता है माइनस 47। तो ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट आ जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 फोर्थ पार्ट के ऊपर। तो फोर्थ पार्ट है 5x² प्लस 8x इज इक्वल टू माइनस 1। इसको भी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखते हैं, तो 5x² प्लस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 1 हम उसको लेफ्ट साइड पे ले आए हैं। हेयर ए इज इक्वल टू 5, बी इज इक्वल टू 8 एक्स का कोएफिशिएंट, एंड सी इज इक्वल टू कांस्टेंट व्हिच इज इक्वल टू 1। सो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी इज 8 स्क्वायर माइनस 4, ए इज 5, सी इज 1। तो 8 8 64 माइनस 4 5 20, तो हम इससे माइनस कर देंगे, तो ये आ जाता है 44। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 44।